योजनाएं आपके समक्ष रखी है जिससे आप अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हुनरमंद जो काम आपको करना है और वो आपको नहीं आता है तो उसको सीखने के लिए भी सेंटर आज हम लोगों ने आप ही के प्रखंड के स्तर पर खोलने का काम हम लोगों ने आज शुभारंभ कर दिया। पहले मुख्य जिलों में होता था, बड़े बड़े जिलों में सेंटर होते थे, अब प्रखंड स्तरों में होने जा रहे हैं। और आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप निश्चित रूप से ट्रेनिंग लें, और चूंकि इस राज्य में गरीबी भी बहुत अधिक है तो सरकार ने आपके लिए आने जाने के लिए परिवहन प्रोत्साहन भत्ता भी देने का निर्णय लिया। पहले भी हम लोगों ने शिक्षा को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। आज इस राज्य के गरीब गुरुवार लोगों के परिवारों को अपने बच्चों को पढ़ाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उसका सारा का सारा जिम्मेवारी सरकार वहन करेगी, ये हमने निर्णय ले रखा है। आज इस राज्य की बच्चियां या इस राज्य का नौजवान ट्रेनिंग लेकर के विभिन्न संस्थाओं में जाते जाते कई ऐसे बच्चों के हमारे पास लिस्ट आए हैं जो आज विदेशों में भी चले गए हैं। सभी छात्र छात्राओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आज पहला ट्रेनिंग कैंप का एक हिस्सा बन रहे हैं और आप लोग एक मार्गदर्शक बनेंगे इस कौशल विकास विभाग का। ये बिरसा योजना रोजगार एवं प्रोत्साहन भत्ता और परिवहन भत्ता का, और जो आपके पीछे जो छात्र छात्राएं इसके साथ जुड़ेंगे, आप एक प्रेरणा एक आइकॉन के रूप में अपने आप को तराशिए, ताकि और भी हमारे जितने भी गांव देहात के नौजवान हैं उसको अपने पैरों पर खड़ा होने का एक उत्साह और उसको साहस मिले। जिस काम से हमारा घर द्वार चलता हो, परिवार चलता हो, वो काम नहीं, वो आपका भगवान होता है। लेकिन वर्तमान हमारे श्रम विभाग ने ऐतिहासिक आयामें इसमें जोड़ी। आज देश दुनिया के किसी कोने में अगर हमारा कोई मजदूर किसी भी हालत में किसी घटना में मारा जाता है तो उस मजदूर के जो पार्थिव शरीर को, चाहे वो ट्रेन से हो चाहे हवाई जहाज की जरूरत पड़े, उससे लाकर के उनके परिवार के घरों तक पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। आज अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार ने जो मजदूरों को संरक्षण के लिए जो हम लोगों ने कानून बनाए, वो देश में सबसे अलग और सबसे मजबूत हम लोगों ने कानून बनाया है। आज हमारा मजदूर अगर रजिस्टर्ड हमारे पोर्टल पर है, दुनिया के किसी कोने में जाए वो गुम नहीं हो सकता है। उसके हर परिस्थिति में उसकी हम संरक्षण करते हैं, उनके परिवार की संरक्षण करते हैं। निरंतर निरंतर हमें मिलता रहे इसी कामना के साथ बच्चे प्राप्त कर रहे हैं JSDMS से, और बहुत स्नेह पूर्वक आपको ये दिया जा रहा है। अगला आग्रह होगा श्रमायुक्त झारखंड श्री संजीव कुमार बेसरा सर से। बच्चों ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनके द्वारा बनाया हुआ ये कुर्ता एक स्नेहपूर्ण भेंट के रूप में आप तक। अगला आग्रह होगा मिशन निदेशक झारखंड कौशल।